बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। आओ बताऊं तुमको मैं इनसे आसतानों की ये बातें कैसे तुमको बेवकूफ बनाते, ताकि याशियां कर सके इनकी औलादे। झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो, क्या हाल है, भोले से मिले, कोई नई बात पता चली? अस्सलाम वालेकुम समन, आप ही ठीक ठाक? अभी रास्ते में मिला मुझे, पान वाली दुकान पे खड़ा हुआ बेचारा उधार सिगरेट ले रहा था, सिगरेट ही इतने महंगे हो गए हैं। और मुझे कहता है नून लीग जो है ना वो बड़ी हमदर्द जमात है वैसे तो। हाँ बात तो वो सही कर रहा है, नून लीग जो है ना वो बहुत हमदर्द बिल्कुल जमात है, इतनी अवामी पार्टी है। स्टूडियो जरा दिखाएं तो इनकी हमदर्दियां, इनकी दिखाते हैं हम जरा मुसब भाई को, भोले को, देखिए जरा इनके कारनामे कितने अच्छे हैं। लंगर खाने इन्होंने बंद कर दिए हैं, सेहत कार्ड बंद हो गया है, रोजगार बंद हो गया। आप सोचिए जरा, मुझे एहसास रोजगार प्रोग्राम था तो आपने देखा होगा लोगों के ठेले वगैरह किस तरह गिराए गए हैं। आगे बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, क्या ख्याल है आपको, लगती है का के बड़ी कोई हमदर्द जमात है ये? और नहीं जी, किधर हमदर्द, गरीब थे बेचारा, पता नहीं कौन सा अजीब आदमी है, मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहा है मरियम नवाज की, वो कहती है कि मुझे जो है वो जेल वाली कोठरी में जो है ना जो वो फ्राई पैन होता है ना बेचारी, उससे कपड़े इस्त्री कर रही, इतनी मासूम औरत। स्टूडियो वाले भाईजान जरा दिखाना वो वीडियो, मैं जो समन आप ही को जो मुझे भोले ने भेजी है। जेल की मैं बात करी, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे, वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गरम करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी, मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता। बड़ी तरक्की कर ली है भाई नून लीग के पाकिस्तान ने, मल्टीवर्स है ये। देखिए पिछले हफ्ते ना आपको बोले ने बताया था कि ये लोग जो है ना ये इनको जेल में रखते थे, काल कोठरी में रखते थे, वो क्या वो मौत की चक्की में रहती थी बेचारी। आज जो है वो इनके पास फ्राइंग पैन भी आ गया है, चूल्हा भी आ गया है, तो ऐसा करते हैं अगली दफा जब ये जेल जाएंगी ना तो इनको सिर्फ इस्त्री देके भेज देते हैं, तो उनसे कहेंगे जब फ्राइंग पैन से इस्त्री हो सकती है तो इस्त्री पे अंडा तल लें, हैं इस्त्री पे अंडा भी तल लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? वैसे ये बात आपने बड़े पते की है, अगर ये थी चक्की में वहां इन्होंने पहनी होगी कैदियों की वर्दी, झूठ बोले कब काटे, तो कैदियों की वर्दी है इस्त्री क्यों कर रही थी? यार ये तो कोई औरत, मैनू तो समझ नहीं आती ये कौन सी औरत है, पता नहीं भोला क्यों इनके पीछे पड़ा रहता है। अच्छा आपने सुना है कि अब तो ये कहती हैं, भोला साहब भी यही फरमाते हैं कि जो नून लीग है, ये जो मरियम नवाज साहब है, इनकी तो हुकूमत ही नहीं है, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हुकूमत उनकी आएगी। दिखाएं जी स्टूडियो वाले भाई एक दफा फिर हमारी मरियम बीबी का ये बयान जो कह रही हैं आजकल। हाँ ये सही है, ये इन्होंने बात कही तो है कि इनकी हुकूमत नहीं, लेकिन जब इनकी हुकूमत आई थी वो शहबाज शरीफ ने बड़ा सूट शूट पहन के हलफ लिया था, उसके बाद जो इन्होंने ट्वीट लिखी थी कोई मरियम बीबी ने वो तो बड़ी अच्छी थी कि वो हो भाई को उन्होंने अल्लाह मियां का बड़ा शुक्र अदा किया था कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम है, और शेर की बड़ी बातें हुई थी, खूब मिठाइयां भी खाई हैं चचा भतीजे ने। अच्छा फैसले भी सारे ये हुकुमरानों वाले करती रही हैं, ये भाई इन्होंने गिरफ्तार इमरान खान की गिरफ्तारी का इन्होंने प्लान बना दिया है, हुकूमत पे दबाव डाल रही हैं, ये इमरान खान को फौरी तौर पे गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा ये सुना अब था आपने कि इन्होंने सुना है कि चचा को ये भी कहा था कि जो है वो सेहत कार्ड फौरन बंद हो जाना चाहिए, तो वो स्टूडियो जरा सुनाइएगा वो कौन सी ऑडियो लीक आई थी। ये बताइए अगर इनकी हुकूमत थी ही नहीं तो ये किस तरह ये सारी बातें कर रही थी। वैसे
ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से मैं एक बड़ा आम आदमी हूं, लेकिन अगर अभी भी ये आपकी हुकूमत नहीं थी तो जब आपकी हुकूमत आएगी तो फिर तो या अल्लाह रहम ही कर साढ़े ते वाली सूरत हाल है। पता नहीं भोले जैसे लोग कब समझेंगे। लेकिन अभी मुझे एक आप बात बताएं, आप कहते हैं पीटीआई तो बड़ी पॉपुलर जमात है, लेकिन ये अभी मरियम साहबा कहती हैं कि जी नून लीग से रابطे कर रहे हैं पीटीआई के लोग टिकटों के लिए, ये क्या चक्कर है हाँ, जी? ये बात जो है ना, ये बड़े मजे की आपने कही है भाई, कि हमने तो, हमारे जो लीडर हैं, हमारे असद कैसर साहब, उन्होंने तो उल्टी बात हम लोगों को बताई है कि नहीं जी, कि वो तो जो पुराने मेंबर थे नून लीग के, वोल्टा हमारी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पार्टी की पॉपुलैरिटी तो आपने देख ली थी कि कितने मकबूल हैं। कल लाहौर में अकेले में जो इनका गढ़ होता था, वहां पे आपने देखा था कि कोर्ट के हाजिरी के वक्त कितनी आवाम जमा थी। और एक बात तो जरा मुझे बताएं, ये इधर जो पीटीआई के लोग हैं जिनको भी टिकट नहीं मिला है, जिनको उम्मीद है, खाली उम्मीदवार हैं कि जी हमको पार्टी का टिकट मिलेगा, वो अपने नाम की तस्वीर के बड़े बड़े बैनर लगवा रहे हैं और उसके ऊपर लिखा है उम्मीदवार बराए टिकट पीटीआई। दूसरी तरफ ये नून लीग वालों की तो कपे टांग रही है, नाम से ही खाली इलेक्शन के हैं, सोचिए जरा। तो फिर अच्छा, दूसरा वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी कुछ इस तरह की बातें आई थी, जब बुरी तरह से ये पंजाब में इलेक्शन हार गए थे जुलाई में, उस वक्त भी ये बात पता चल गई थी कि भाई ये इनका अब काम नहीं रह गया। ये जो इन बड़ी बात होती थी कि पंजाब में बहुत बड़ी पार्टी है, अब तो पंजाब में भी इनकी कोई इलेक्शन नहीं जीतते हैं, ये तो किधर की पॉपुलैरिटी रह गई है। आप ना समनबाजी बड़ी पक्की बातें करती हैं। मैं वही देख रहा था टीवी पे अभी, जब खान साहब पेशी पे गए हैं, वो उस बंदे के साथ, मैंने ऐसा कभी मूवी में नहीं सीन देखा जी, जितने बंदे गए हैं वो बंदा वाकई कहते हैं वो जो वो बब्बड़ शेड़ होता है ना, वो उसकी तरह गया है। तो पॉपुलैरिटी तो वैसे उस बंदे की है। ये औरत तो मेरी तो समझ से बाहर हो गई है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैंने भोले को समझाना होता है, क्योंकि वो जो है ना वो बड़ी आसानी से इनकी बातों में आ जाता है। हाँ, ये बात आपकी सही है। वैसे ना, भोले को ये वाली बात जरूर बताइएगा, वो क्या बयान दिया था स्टूडियो अभी अभी, मरियम बीबी ने कुछ शिकायत लगाई थी अपने अब्बा जान की, लगता है, जरा सुनाइए तो। कि पाकिस्तान में बीसियों आपको मिसालें ऐसे मिलेंगी कि जब एहतसाब शुरू होता है तो लोग इस मुल्क से फरार हो जाते हैं। कौन लोग फरार हो जाते हैं? ओए ओए, पीछे तो उसके अब्बे की तस्वीर है, ये क्या सीन है भाई यार? ओए इस औरत का मैं क्या करूं, ये कौन लोग है समन बाजी, ये कहाँ से आते हैं ये लोग? और ये जो भोले जैसे लोग हैं, मुझे ये नहीं समझ आते हैं कि यार ये सुबह उठती है तो ये कहती है ये, और शाम को ये उठती कहती है वो। इस बंदी की अपनी कोई एक जुबान नहीं है। मैं जाके समझाता हूँ इस दफा फिर भोले को, ये मुझे तो पता है। रुको, मुझसे पहले ये तो पूछें कि वो अब्बे जो पीछे हैं वो आजकल हैं किधर? अरे ये तो वही एवन फील्ड्स है। अच्छा, ये बिल्कुल इनका कहते नहीं है कि यहाँ तो इनका तो कोई है ही नहीं, इनका यहाँ लेना देना तो ये इतने अरसे से बगैर तो रह के कैसे रह रहा है? बस जी, आप ये देख लें। तो अब आपको जाके क्या समझाना है भोले को? के झूठ बोले कब्बा कव्वा काटे काटे। एंड दैट्स काटे।